फिल्म थ्री इडियट तो आप सभी ने जरूर देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी, और उस फिल्म का हर सीन, हर एंगल बड़ा शानदार था, देखने लायक था। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की, वो सीन जिसमें रैंचू के दोस्त फरहान और राजू उसको ढूंढते हुए लद्दाख में एक ऐसे स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ का सीन बिल्कुल डिफरेंट है। पूरी फिल्म हालांकि यादगार थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद वो दृश्य, और खास तौर पर उस दृश्य में दिखाए हुए वो स्कूल, वो एकेडमी, हमारे दिमाग में छाप छोड़ देती है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात जरूर हमारे जहन में रह जाती है कि काश कि ऐसी कुछ एकेडमीज होती, कोई ऐसी जगह होती जहाँ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बच्चों को इन अलग तरीके की टैलेंट सिखाने का मौका मिलता। दोस्तों, जब हम अपने बच्चों की बात करते हैं तो अधिकांश पेरेंट्स अपने बच्चों से परेशान रहते हैं। इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत वीक है, मेरे बच्चा आंसर्स को याद नहीं कर पाता, मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, मेरा बच्चा मेंटली बहुत वीक है, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे बच्चे का फिजिकल मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए क्या करते हैं आमतौर पर सभी लोग, आप सभी लोग और हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छे ट्यूशन भेजते हैं। उनके टैलेंट के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं कि उन बच्चों को डांस क्लासेस में और एक्टिविटी क्लासेस में भेजते हैं जिससे बच्चे होशियार हो सकें। लेकिन क्या वाकई इन चीज़ों से बच्चे होशियार हो पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि केवल स्टडी कराने से या पढ़ाई कराने से क्या बच्चों का भविष्य बना पा रहे हैं? क्या उनका ब्रेन, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पर हम ध्यान दे पा रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वाकई में बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कुछ करते हैं, तो अधिकांश का जवाब होगा कि नहीं, हम कुछ नहीं करते। लेकिन हमें पता भी नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम टॉनिक्स पिलाते हैं, बच्चों को सप्लीमेंट्स देते हैं और ट्यूशन भेजते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ही सोचना मेरा भी था, मुझको भी लगता था कि इसकी दिशा में कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ दिन पहले मैं आगरा में एक ऐसी जगह गया जहां जाकर थ्री इडियट फिल्म का वो दृश्य मेरे सामने उपस्थित हो गया। वो जगह एक ऐसी जगह थी जहां मैंने ऐसे विलक्षण और ऐसे सुपर किड्स को देखा जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कर रहे थे, वो एक्टिविटीज जो हम और आप करने की सोच भी नहीं सकते। ऐसी अजीब जगह, ऐसी नई जगह, और वो सामान्य से बच्चे, वह बच्चे वहां पर विलक्षण दिख रहे थे। मुझको लगा कि ये एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर जाकर बच्चों का वाकई में पर्सनल डेवलपमेंट होता है, और इसके बारे में मैं अमेजिंग आगरा के माध्यम से आप सभी को जरूर बताऊं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग आगरा। मैं हूं आपका दोस्त पंकज विकल, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं अमेजिंग आगरा में एक नई सीरीज जिसका नाम है सुपर किड्स। दोस्तों, ये जगह, ये एकेडमी जिसका नाम है ब्रेन गुरुकुल, ब्रेन गुरुकुल एक ऐसी एकेडमी है जहां पर ऐसे ऐसे कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिससे बच्चों के मेंटल, ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अलग तरीके से होता है। इनके कोर्सेज ना सिर्फ बच्चों को होशियार बना रहे हैं बल्कि उनके भविष्य के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा, और मैंने वहां पर जाके कुछ शूट्स किए, और वो मैं सब आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। इस सारे एपिसोड को, सारी जो शूटिंग्स थी, जो चौंकाने वाली चीजें थी, वो उन सबको मैंने 6 अलग अलग एपिसोड्स में डिवाइड किया क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली तैयार हो अपने भविष्य की लड़ाइयों को जीतने के लिए, ना सिर्फ केवल स्कूल की पढ़ाई बल्कि भविष्य को भी बनाने के लिए वो ट्रेंड हो पाए, तो उसके लिए प्लीज इस पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा क्योंकि इसका हर एपिसोड बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत जरूरी है। तो बिना देर किए हुए चलिए, आइए चलते हैं ब्रेन गुरुकुल एकेडमी और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ 51 राजा मंडी कॉलोनी। मेरे बगल में कैनरा बैंक है और मेरे ठीक पीछे है ब्रेन गुरुकुल एकेडमी। ब्रेन गुरुकुल एकेडमी जहाँ पर बहुत सारे विलक्षण बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। हम उनसे मिले हैं, उससे पहले मैं आपको ब्रेन गुरुकुल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। किसी भी बच्चे की एकेडमिक सक्सेस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसकी मेंटल हेल्थ और ब्रेन इनरिचमेंट का बड़ा योगदान होता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के लिए सारा फोकस ट्यूशंस और ज़्यादा पढ़ाई पर ही रहता है, जबकि ना सिर्फ स्कूल एग्जाम्स बल्कि जिंदगी की परीक्षा में भी सफल होने के लिए बच्चों की मेंटल ग्रोथ एंड स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ आगरा में विजय प्रकाश जी और पंकज गुप्ता जी ने लंबे रिसर्च के बाद अपनी कॉरपोरेट जॉब छोड़कर सन 2012 में ब्रेन गुरुकुल की स्थापना की। ब्रेन गुरुकुल में उन्होंने ऐसे कोर्सेज लॉन्च किए जो बच्चों को सिंपल किट से
सुपर किड में बदलने की क्षमता रखते हैं, जहां उनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स बच्चों के सेंसेस को डेवलप करके उनके मस्तिष्क को अपार क्षमताओं का धनी बनाता है। वहीं वैदिक मैथ, मेमोरी टेक्निक्स, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट और क्वांटम स्पीड राइटिंग एंड रीडिंग कोर्सेज उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। बच्चों के भविष्य की दिशा तय करने में DMIT यानी ब्रेन मैपिंग की भूमिका भी बहुत अहम है। यही नहीं, अभिमन्यु की तरह जन्म के पूर्व ही बच्चे को माँ की कोख में ही ट्रेन करने के लिए, उसकी ब्रेन प्रोग्रामिंग करने के लिए ब्रेन गुरुकुल का ध्वनि यानी ब्रेन बिफोर बर्थ प्रोग्राम तो अपने आप में बहुत खास है। इन कोर्सेज को बनाने में वर्षों की अथक मेहनत लगी है और इनके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में ब्रेन गुरुकुल ने 4,000 से अधिक बच्चों को ट्रेन किया है। ब्रेन गुरुकुल में सिंपल से सुपर किड बनने के बाद इन बच्चों का जीवन जैसे बदल ही गया है। आज के दौर में जबकि पेरेंट्स बच्चों की ग्रोथ को लेकर चिंतित रहते हैं, ऐसे में ब्रेन गुरुकुल का ये कोर्सेज उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ब्रेन गुरुकुल के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोग्राम से बच्चों के लिए बना रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मुझे लगता है कि हम सब पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जब ये प्रोग्राम्स करते हैं वो उनके बेनिफिट के लिए है, और ऐसी फैसिलिटीज जब आगरा में अवेलेबल है तो हमें जरूर उनका फायदा उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी हूँ और ब्रेन गुरुकुल मुझे ऐसा लगता है इसकी जो USP है, जो इसकी खासियत है, वो पंकज जी और विजय जी दोनों हैं जिस जुनून के साथ वो पढ़ा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को एक नए तरीके की पढ़ाई को आगरा के शहर में लेकर आए हैं और जो उनका विजन है जिस तरह से उसको विस्तार करना चाह रहे हैं आगे चल के, मुझे लगता है आगरा की बहुत बड़ी खासियत और बहुत बड़ा एक कंपनी बनने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय जी को और पंकज जी दोनों। तो आइए चलिए चलते हैं ब्रेन गुरुकुल के अंदर और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। कम इतनी दोस्तों, यहाँ तक तो आपने जान लिया कि ब्रेन गुरुकुल क्या है और उसकी एकेडमी कैसी है। तो अब मैं मिलता हूँ यहाँ के बच्चों से और जो अलग अलग एक्टिविटीज करा रहे हैं। तो आज के इस पहले एपिसोड में मैं आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने वाले कुछ बच्चों की एक्टिविटीज दिखाता हूँ। तो ब्रेन गुरुकुल में बहुत रिसर्च के बाद उन लोगों ने ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी मिड ब्रेन एक्टिवेशन के द्वारा, जिसके द्वारा सेंसेस को डेवलप किया जाता है और उन सेंसेस को डेवलप करने के चमत्कार ये होते हैं कि बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं चीजों को। एक ऐसा आश्चर्यजनक ये एक चीज है जिसको आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए हम पहले कुछ बच्चों से मिलते हैं जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन दिखा रहे हैं और क्या क्या करते हैं वो आपको चौंका देंगे। आइए देखते हैं आगे की वीडियोस। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ब्रेन गुरुकुल एकेडमी के अंदर और जैसा कि एक फिल्म आई थी 3 Idiots और उसमें हमने बहुत सारे विलक्षण बच्चों को देखा था, ऐसा ही कुछ नजारा यहाँ पर है। एक से एक गजब के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। आइए देखते हैं किस किस तरह की टैलेंट इन्होंने डेवलप किया है ब्रेन गुरुकुल में आने के बाद, और फिर ये जानेंगे कि ये कब से ये ऐसा कर पा रहे हैं और कैसे इन्होंने ये अपनी एबिलिटी को डेवलप किया है, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। इसको जरूर देखिए पूरा। तो मेरे साथ हैं सबसे पहले पार्थ गुप्ता। पार्थ गुप्ता कुछ अपना ऐसा टैलेंट शो करने वाले हैं जो कि सामान्य बच्चों में देखने को नहीं मिलता है, और उसे चेक करने के लिए मेरे पास है एक ब्लाइंड फोल्ड। ये ब्लाइंड फोल्ड पट्टी है और इसके अंदर एक कॉटन है। एक काम करते हैं, इसको कॉटन को हम डबल कर लेते हैं ताकि और ये सेफ हो जाए। मैंने इसे चेक किया है, इसको लगाने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी बाहर का कुछ नजर नहीं आता। तो पार्थ, आप ये करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या करने वाले हैं। आई एम सॉल्विंग द रूबिक क्यूब्स। ओके, गेट सेट गो।
ओ माय गॉड, थोड़ा कैमरे के पास दिखाई, दिख रहा है पूरा, दिख पा रहा है पूरी तरह से? ठीक 2 मिनट के अंदर, मतलब हम लोग तो इसको आगे खोल के नहीं कर सकते हैं और एक घंटे में नहीं कर सकते हैं, अभी पार्ट ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर इसको पूरे क्यूब को सॉल्व किया है। चलिए यहाँ पर ही सिलसिला खत्म नहीं होता, हम चलते हैं अगले टैलेंट की तरफ जो है यश अग्रवाल। और यश अभी हमको ब्लाइंड फोल्ड होकर ये बुक्स पढ़कर दिखाएंगे आंखें बंद करके। तो मैम हिमानी जी मेरे साथ में है बिल्कुल से, प्लीज यश को ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए। ये 3 रैंडम बुक्स मैंने ऐसे निकाली हैं, इसमें से किसी भी बुक्स का कोई भी पेज हम निकालेंगे और देखते हैं कि यश इसको आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड होकर पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एक बुक मेरे पास है और देखते हैं कि क्या होता है आगे। चलिए ये एक देखिए पोइम मैंने निकाल ली है और इसको यश को देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। आई हैव अ कैट, हिज नेम इज पैट, पैट द कैट इज वेरी फैट, पैट हैज अ रैग, पैट हैज अ टैग, पैट लाइक्स टू गो इनटू अ माय बैग, पैट हैज अ कैन, पैट हैज अ फैन, पैट इवन हैज अ पाल, कैट डैन Then pet had a nap in my blanket. तो दोस्तों ये थे, बहुत छोटा सा सैंपल था मिड ब्रेन एक्टिवेशन का। और ब्रेन गुरुकुल में अभी ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि हम आपको आगे के सीरीज में दिखाने जा रहे हैं। ब्रेन गुरुकुल का अपना एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और जानकारी मिलती है जिनको देखकर आप बच्चों के डेवलपमेंट की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। तो मेरा आप सभी को ये बिल्कुल निष्पक्ष, देखिए दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ये मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको बच्चे के भविष्य को आपको सिक्योर करना है, उसको वाकई में होशियार बनाना है, तो एक बार आप ब्रेन गुरुकुल जरूर लेकर आइए और उसकी सारी समस्याओं से दूर होंगी। आगे के एपिसोड्स को आप मिस मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नई नई चीजें, चौंकाने वाली चीजें आपको देखने मिलने वाली हैं। तो चलिए गुड बाय फॉर दिस एपिसोड राइट नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।